क्या आप जानना चाहते हो? वास्तुशास्त्र के हिसाब से मेन एंट्रेंस डोर जो होता है, मेन दरवाजा जो होता है घर का, वो कैसे होना चाहिए? क्या खबरदारी लेने से घर में हमारे सुख शांति बने रहे? तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में ये सारी चीजें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनल और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल शुनाज कॉर्नर पे। मैं ये चैनल पे लाइफस्टाइल, फूड एंड प्रोडक्ट रिव्यूज रिलेटेड वीडियोज लेकर आती हूँ हफ्ते में दो बार। तो ये वीडियो पे एंड तक बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और उसके बगल में ही जो घंटी आइकॉन है उसे दबाना ना भूले, ताकि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। मैंने वास्तुशास्त्र का अभ्यास किया है क्योंकि जब हम घर बनवा रहे थे, घर में जो फर्नीचर बनवा रहे थे, तो मुझे छोटी छोटी बारीक चीजें भी ध्यान में रख के घर बनवाना था। और मुझे होम डेकोरेशन का शौक है, जैसे आप जानते ही हो सारे जन, मेरा और एक चैनल है सोनल डायरी, उसमें मैं खुद पेंटिंग्स वगैरह वीडियोस डालती रहती हूँ। पेंटिंग्स भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से कैसे बनाते हैं उसके वीडियोस उसमें हैं, तो आप चाहिए तो वो भी रेफर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेन एंट्रेंस डोर जो होता है वो बहुत ही खास होता है वास्तुशास्त्र के हिसाब से, क्योंकि उसी डोर से, उसी दरवाजे से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी या फिर निगेटिव एनर्जी जो भी आती है वो तय होता है। बहुत लोगों का ऐसी गलत फहमी है कि मेन डोर जो होता है वो हमेशा पूर्व दिशा में ही होना चाहिए, तो भाई ऐसा नहीं है। पूर्व दिशा रहे, पश्चिम रहे, दक्षिण रहे या फिर उत्तर रहे, कौन से भी दिशा में रहे, कहाँ से दरवाजा होना चाहिए, जैसे कि पूर्व दिशा में कहाँ से दरवाजा होना चाहिए वास्तुशास्त्र के हिसाब से, और कौन कहाँ से होना चाहिए तो शुभ है, ये तय है। पश्चिम से होना चाहिए तो कहाँ से होना चाहिए, ये तय है। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये दिशा में से है तो ही शुभ है। ओके, तो कौन कहाँ से होना चाहिए तो शुभ है, ये थोड़ा सा क्लिष्ट भाग है, तो वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। बाकी की कौन सी चीजों का हमें ध्यान रखना है वो जान लेते हैं पहले। तो मेन डोर जो होता है वो बाकी का घर जो है, जैसे आपने उसे सजाया है, जैसे उसे फर्नीचर किया है, उससे थोड़ा अच्छा होना चाहिए, मतलब थोड़ा ज्यादा अच्छा होना चाहिए। देखिए, जब कभी भी पॉजिटिव एनर्जी या फिर लक्ष्मी जी घर में आने का सोचे तो उन्हें लगे अरे हमारे वेलकम के लिए तो बहुत बढ़िया तैयारी की है, तो अंदर घर कैसा होगा। तो इसके कारण जो घर का मेन दरवाजा है ना, वो आप बढ़िया से सजाइए, उसे फूलों का तोरण लगाइए, रंगोली निकालिए और लाइट्स अच्छे लगाइए। बहुत लोगों का ऐसे है कि बहुत छोटे छोटे लाइट्स रख देते हैं घर के सामने, तो ऐसा ना रखें, अच्छे लाइट्स लगाए। जो येलो बल्ब रहता है वो पॉजिटिव एनर्जी को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। घर की चौकट जो है वो सममिति होनी चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि घर की चौकट की जो चारों बाजुआ है वो सरल होनी चाहिए। मतलब कोई लोगों को बहुत शौक होता है डिजाइन करवाने का, तो वो ऊपर ऐसे गोल बनवा देते हैं या फिर ऐसे कुछ त्रिकोणी बनवा देते हैं, तो ऐसे ना रखें, सीधी ही रखें। ओके, तो आयताकृति जो बोलते हैं ना, वैसा आपका चौकट होना चाहिए। चौकट जो है वो एक ही मेटल से बने, पूरे चारों बाजू जो है वह एक ही मेटल से बने या फिर लकड़े से बने। ऐसा ना रखे कि तीन बाजू लकड़े की है और नीचे आपने ग्रेनाइट की पट्टी लगा दी है, तो वो ध्यान रखे कि चारों बाजू जो है वो एक ही मेटल से, जो भी बना रहे हो आप, ग्रेनाइट का बना रहे हो, धातु का बना रहे हो या फिर लकड़े का बना रहे हो, तो चारों बाजू सेम ही चीज की होनी चाहिए। और मोस्टली अगर आप सागवान लकड़े का बना सकते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। हमेशा ध्यान रखिए, घर की चौकट जो है उसको दहलीज होना बहुत जरूरी है, तभी उसकी चार बाजुएं बनेंगी। दहलीज में आप रंगोली निकाल सकते हैं, जैसे स्वस्तिक चिन्ह बहुत शुभ है दहलीज पे निकालने के लिए। आप अगर रोज रंगोली नहीं निकाल सकते हैं तो स्टिकर्स लगा दीजिए। मेन डोर के चौकट पे या फिर दरवाजे पे आप जो शुभ चिन्ह हैं उनकी फोटो लगवा सकते हैं, कार्विंग करवा के ले सकते हैं, या फिर आजकल जो डेकोरेटिव चीज़ें मिलती है उस वो भी लगा सकते हैं। तो ऐसे शुभ चिन्ह जो है वो कौन सी है वो बताती हूँ। श्री, स्वस्तिक, ओम, वास्तु यंत्र, दुर्गा यंत्र और बीसा यंत्र। तो ये सारी चिन्हों का एकत्रित ऐसे आपको एक हाथ फोटो वगैरह मिल सकता है,
वो भी आप लगा सकते हैं, या फिर जैसे मैंने बताया कार्विंग करके ले लीजिए, या फिर ये फोटो लगा दीजिए। अभी देखिए कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। घर के तुरंत सामने आपको कूड़ा नहीं रखना है। बहुत लोगों का क्या होता है कि कचरे वाला आता है कचरा लेने के लिए, तो सामने ही कूड़ा रख देते हैं। तो कूड़ा बहुत सारे निगेटिव एनर्जीज आपके घर में लेके आएगा, तो घर के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने ही कूड़ा मत रखिए, आप वहाँ से कूड़ा हटा ही दीजिए। दूसरी बात है, घर के बराबर सामने आप झाड़ ना रखिए। जैसे तुलसी का पौधा भी होता है, मतलब जो वृंदावन होता है, वो भी ना रखे वहाँ पे, वो कहीं और अग्नेय दिशा की ओर अगर रहेगा तो बहुत अच्छा रहता है। तो घर के सामने मतलब दरवाजे के सामने कुछ भी नहीं होना चाहिए। घर में जो कोई भी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, लक्ष्मी जी अंदर आ रही है, तो उन्हें कोई भी बाधा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, घर के सामने ही आप जैसे चप्पल स्टैंड जो है वो घर के मुख्य दरवाजे के आजू बाजू ही होता है, तो जो चप्पल रहते हैं वो ऐसे ही बिखरे पड़े हुए नहीं होने चाहिए। अगर आप नया घर खरीद ही रहे हो तो घर के अपने डोर के सामने दूसरे किसी का दरवाजा नहीं होना चाहिए। घर के बराबर सामने कोई भी स्टेयरकेस या फिर जीना जिसे बोलते हैं वो नहीं होना चाहिए। घर के मेन दरवाजे के बराबर सामने कभी भी आईना ना रखें। तो जब कभी भी पॉजिटिव एनर्जी घर में आ रही है तो वो परावर्तित होके वहां से निकल जाएगी, आपके घर में अंदर आएगी ही नहीं। अभी सबसे एंड में हम देखेंगे जो पहले हमने बात की कि घर से कौन सी दिशा से हम अगर दरवाजा करेंगे तो वो बहुत अच्छा है। हर वास्तुशास्त्र तज्ञ का मानना अलग अलग है, हर एक का अभ्यास अलग अलग है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, आप कंफ्यूज ना होए, किसी एक वास्तुशास्त्र तज्ञ को मानिए और घर बनवा दीजिए आपका। आपको क्या करना है, सिंपल भाषा में समझाती हूँ। घर का नक्शा लेना है, उसे पूरी जो साइड्स है वो निकालनी है, और वो साइड्स को 9 सम भाग में डिवाइड करना है। ठीक है, और एक बाजू जो है अभी आप पूरब का ले रहे हैं तो उसको 9 सम भागों में डिवाइड करना है। तो अभी देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ऐसे घर हो गए। तो पूर्व दिशा की ओर जैसे है वैसे ही पश्चिम में किए हैं, 9 बाजू में उसका भाग किए हैं, दक्षिण में भी 9 में किए हैं और उत्तर में भी 9 किए हैं। और लेफ्ट से राइट उसको नंबरिंग देनी है। तो आप अगर यहाँ पे हो और अभी दिशा देखने का जो है ना वो आप घर के अंदर खड़े हो तो आपके सामने जो दिशा है वो पूरब दिशा है, तो उसके हिसाब से लेना है। बाहर खड़े रह के इसे आप पूरब नहीं बोल सकते हो। तो बहुत लोग वो मिस्टेक करते हैं, घर के अंदर खड़े रह के दिशा देखनी है, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी दिशा आपके घर की बराबर है। ओके, तो पूरब दिशा पे आपको 3 और 4 घर जो है वहां से अगर एंट्रेंस हो तो वो अच्छा है। पश्चिम दिशा पे अगर आपका 4 और 5 की ओर से अगर यहाँ से एंट्रेंस है तो अच्छा है। अगर दक्षिण की ओर है तो आप 4 नंबर का जो घर है वहां से अगर एंट्रेंस है तो अच्छा है, और अगर उत्तर में है तो 3, 4 और 5 यहां से अगर आपका एंट्रेंस है तो वो अच्छा है। अभी मैंने जनरलाइज बता दिया, अगर आप देखोगे कि पूरब की ओर अगर ये 3 नंबर का जो घर है वहां से अगर आप एंट्रेंस रखते हो तो आपका जो भाग्य है वो बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप 4 नंबर से रखते हो, सपोज आप पॉलिटिक्स में हो तो आप यहाँ से रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी, या फिर अगर आप कोई भी सरकारी काम में हो या फिर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हो तो आप यहाँ से दरवाजा करेंगे तो घर के लिए बहुत अच्छा है। अब चलते हैं दक्षिण की ओर। दक्षिण से आप अगर यहाँ से दरवाजा करोगे तो उत्कर्ष है आपका, बहुत अच्छा है आपके घर के लिए, आपके लिए, और आप 2400 घंटे काम में व्यग्र रहेंगे। अगर पश्चिम की ओर ये 4 और 5 के यहाँ से आपका अगर मुख्य दरवाजा है तो वो आपको आर्थिक बहुत लाभ देगा। ओके, अगर उत्तर की ओर देखा जाए तो अगर ये 3 घर से अगर आपका दरवाजा हो तो घर में सुख शांति और बहुत अच्छा है, आनंद रहेगा आपको अगर ये 3 घर से दरवाजा रहे तो। 4 में से रहे
तो आपके लिए आर्थिक बहुत अच्छा है। और अगर पांच में से रहे उत्तर की ओर पांच घर जो है वहां से सारे सुख मिलेंगे, अष्ट ऐश्वर्य आपको मिलेगा यहां से, अगर पांच नंबर के घर से आपका अगर मुख्य दरवाजा रहे तो। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हो कि इस विषय में और ज्यादा मैं वीडियोस बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, तो मैं इस विषय पे और ज्यादा वीडियोस लेकर आऊंगी आपके लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए ये वीडियो को, और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो घंटी आइकॉन है वो दबाना ना भूले, तो ताकि जब कभी भी मैं नए वीडियोज अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।